हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि नाइटफॉल और धातु रोग जैसे जो बीमारी हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है और कैसे सिंपली किन कारणों की वजह से वो होते हैं। नाइटफॉल किस कारण होता है इसके बारे में तो मैंने पहले बताया था, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे घरेलू इलाज करके होम रेमेडीज के साथ आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। वैसे तो इसका इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन पूरा कंप्लीट इलाज करने के लिए सिर्फ आपको डाइट ही नहीं सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। इसका इलाज मेडिसिन से है, एक्सरसाइज, उसी के साथ साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप मेडिसिन लें या फिर डाइट लें, उसके साथ साथ ही आपको एक्सरसाइज भी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बताते हैं कि किन कारणों की वजह से होते हैं ये रोग। सबसे पहला कारण है इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी डाइट सही नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर पाएगी। सबसे पहले जंक और स्पाइसी फूड, जितने भी जंक और स्पाइसी फूड है उन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से ये रोग हमेशा के लिए होता है। बहुत सारे लोगों में ये आजकल कॉमन हो चुके हैं। जंक फूड के जगह पे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 जिंक जैसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ताकि इसका इलाज आप घर पे ही कर सकें। अल्कोहल जैसी चीज़ें, अल्कोहल और सिगरेट और जो भी नशे की चीज़ें हैं उन सब से आपको दूरी बनानी होगी। उसी के साथ साथ ही आपको टाइट इनरवेयर्स नहीं पहननी होंगे, वैसी सारी चीज़ें नहीं देखनी होंगी, वो वीडियोज़ नहीं देखनी होंगी जिसके वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम हो या फिर जरा सही इरेक्शन और उत्तेजना आए। एक अच्छी नींद लेनी भी उतनी ही जरूरी है, तो अच्छी नींद ले, उसी के साथ डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर रहे, जहाँ तक कि हो सके गद्दे का यानी सख्त गद्दे का प्रयोग ना करें, और उसी के साथ साथ ही बता दूँ मॉर्निंग वॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। एंड हाँ, उसी के साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है सोने से पहले। सोने से पहले कई लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी पीने की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। आपको आपके पेट का भी ख्याल रखना होगा अपनी डाइट के साथ, कि आपका पेट अच्छे से क्लियर हो और उसमें कब्ज ना बने। अगर कब्ज है तो उसके लिए भी आप इसका इलाज कीजिए। कॉन्स्टिपेशन है तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना होगा। दोस्तों, इसी तरह हेल्दी फैक्ट्स के लिए और सारी चीज़ों की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।